So guys, this is the EVGA GeForce GTX 1080 Ti, the SC Black Edition. ये इंडिया में नहीं मिलता है एंड दिस इज माई कॉपी ऑफ आर एम ए, यानी मेरा जो मेन जी पी यू था वो ख़राब हो गया था, उसके बाद मैंने इसका आर एम ए कराया है एंड ये मेरे को कराना पड़ा ताइवान से, तो मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट यूज़ किया कि इसको ताइवान भेजा एंड उसके बाद उन लोगों ने फेडेक्स से भेजा एंड फेडेक्स से भेज के उन्होंने मेरे को कुछ कस्टम में पैसा देना पड़ा बिकॉज कुछ उस तरीके के रूल्स थे एंड बेसिकली ये मेरे को नया ही है जी पी यू एंड ये मेरे को करीब 6 से 7 महीने पहले ये नया मिला एंड जो सी पी यू है वो है ये जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये है एक इंटेल कोर डुओ E7400 जिसके अंदर हैं 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स। तो ये 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक स्पीड पे जाता है, एग्जैक्टली देख लोगे तो 2.80 लिखा हुआ है एंड ये कोस्टा रिका इनका आर्किटेक्चर है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 45 nm के फिनफेट प्रोसेस पे बेस्ड है। अब तो उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे मैं तुमको इसके बाकी का कंपोनेंट दिखाता हूँ। सो गाइज, ये तुम देख सकते हो, ये है हमारा गीगाबाइट का G41MT S2P मदरबोर्ड जो कि हमारे इस CPU को सपोर्ट करेगा। LGA 775 सॉकेट पे ये बेस्ड है एंड ये थोड़ा सा पुराना है सिस्टम, तो ये टोटल आप देख सकते हो, इसके अंदर एक PCIe एक 16 स्लॉट है एंड स्पीड है मेरे को चेक करना पड़ेगा 2.0 या 3.0 बेसिकली एंड इसके अलावा 2 RAM स्लॉट है जहाँ पे हमने 2 RAM स्टिक्स लगा रखे हैं एट 1333 MHz जो कि DDR3 RAMs है सपोर्ट करते हैं। सो इसके अलावा ये सॉकेट बहुत सिंपल है एंड इसके डिस्प्ले आउटपुट देखें तो एक VGA पोर्ट है एंड इसके अलावा पुरानी USB पोर्ट्स हैं, एक इथरनेट पोर्ट है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, 2 USB पोर्ट यहाँ पे एंड एक जो पुराने PS2 पोर्ट होते हैं फॉर CPU एंड अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वही वाला है जो हम लोगों का था, दैट इज़ एनटेक का V550 जो कि 2000 रुपये में मुझे मिला था एंड जो CPU कूलर है वो हम ये यूज़ करेंगे। नाउ ये जो है, दिस इज़ नॉट बेसिकली कंपैटिबल विद दिस सॉकेट बट मेरे को बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्ररी थिंग, तो मैं बस इसके ऊपर इसको रख के एंड कोशिश करेंगे कि बेस्ट इसका परफॉर्मेंस हम लोग निकाल सकें, तो दैट वी विल इंश्योर एंड मैं इंश्योर करूँगा कि इसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस लॉस कोई नहीं हो टेम्परेचर की वजह से। साथ ही ये तुम देख सकते हो 4 पिन जो है CPU का सॉकेट है, मदरबोर्ड का 20+4 पिन का सॉकेट है एंड यहाँ पे 4 SATA पोर्ट्स इसमें दिए गए हैं एंड CPU फैन जो है वो यहाँ से इसका कनेक्टर है एंड इसके अलावा 2 PCIe X1 स्लॉट्स हैं एंड ये इसका PCIe Express स्लॉट है। तो ये इस मदरबोर्ड का पूरा डिटेल्स हो गया है, ये CPU कूलर AMD का एथलोन के साथ आया था एंड दिस शुड बी मोर देन इनफ टू यूज़ ऑन दिस। तो गाइस ये था इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, अब चलते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की तरफ। तो गाइस तुम लोगों ने देख लिया फास्ट फॉरवर्ड में किस तरीके से ये पीसी मैंने बिल्ड किया एंड अब हम लोग फायर करते हैं सीपीयूजी एप्लीकेशन। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इंटेल कोर डुओ दिखा रहा है एंड जो भी डिटेल्स है वो सारे बता रहा है, 775 सॉकेट है, इसके अलावा कैशे, मेन बोर्ड, मेमोरी,
हम लोग इन सब की चीज़ों के बारे में तुम लोग स्क्रीन पे देखोगे। सीपीयू पे डुअल चैनल है बिकॉज मैंने 2 GB की 2 RAM 6 लगाए हुए हैं, टोटल 4 GB। एंड इसके अलावा इसकी जो टाइमिंग्स है बहुत अच्छी है, देख सकते हो 677 इस तरीके से। एंड इसके अलावा 1080 Ti, सो इसको बेंचमार्क कर लेते हैं। बेंचमार्क जो CPU-Z का मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है इसका ज़्यादा क्वालिटी मिलेगा नहीं हमको, हमको परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं। तो मल्टी कोर पर हमको मिलता है 451 एंड सिंगल कोर पर मिलता है 221 के आसपास। इसको जब मैं अपने Ryzen 7 1700 से कंपेयर करता हूं तो कुछ हंसने वाली चीज आ जाती है मेरे सामने, जहां पे तुम देख सकते हो कि मल्टी कोर का जो इसका स्कोर है मेरे Ryzen 1700 का, दैट वाज 3000 एंड सिंगल कोर का जो स्कोर था 359 जो दिखा रहा था, दैट वाज ऑन स्टॉक स्पीड। तो देख सकते हो बहुत ही वीक सीपीयू है। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा CS:GO फायर किया एंड खेलने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो गाइस था ही, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा दिक्कत था। 30 FPS के आसपास ये टच हुआ ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट द गेम प्ले वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट स्मूथ एंड एम करने में दिक्कत हो रहा था। द परफॉर्मेंस विच आई वॉज गेटिंग इट वॉज नॉट गुड। एंड इसका रीजन जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, CPU जो है वो 100% के आसपास ही हॉवर कर रहा है एंड मेरा GPU जो है वो यूज हो रहा है सिर्फ 13-15% बिकॉज आई एम यूजिंग अ 1080 Ti जो कि एक फ्लैगशिप GPU है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो बिल्ड मैंने बनाया है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है एंड यू आर नॉट सपोज टू मेक दिस बिल्ड, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद हम लोगों ने सबसे फेवरेट जो गेम है इंडिया का वो है GTA 5, यहाँ का राष्ट्र गेम है, पता नहीं क्यों शायद लोग अपने पर्सनल लाइफ से भी इंस्पिरेशन लेते हैं GTA 5 में एंड वो हमको RP में दिखता है। खैर बेंचमार्क रन मैंने उसमें किया बिकॉज मेरे को पता है गेम बहुत मुश्किल से चलता। एंड CPU पे देखो, CPU इज ऑलवेज एट 100% एट 2667 MHz, तो इतना जो परफॉर्मेंस GTA खींचता है दैट इज लाइक दिस ओनली। एंड परफॉर्मेंस जो था वो मतलब बहुत अच्छा तो खैर नहीं कह सकते, ग्राफिक भी ठीक से रेंडर हो नहीं रहे थे, तो इट इज़ टोटली नॉट वर्थ इट कि आप इस CPU के साथ कोई भी अच्छा मॉडर्न GPU भी लगाओ बिकॉज इट इज गोइंग टू सक। हाउएवर इफ यू हैव अ क्वाड टू कोर देन बात थोड़ी अलग है एंड उसमें 4 कोर्स होते हैं तो थोड़ा सा एक फायदा मिलता है, मतलब इसी सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो ऐसा ही रहेगा बट गेमिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, इसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो गाइज तुम लोग कह सकते हो ये जो सेटअप मेरा पूरा बना है ये करीब करीब 1,02,000 का सेटअप है, जहाँ पे 1,00,000 का GPU है, 1080 Ti एंड CPU है, 2,000 का पूरा मदरबोर्ड सब कुछ मिला के। एंड अमेजोन पे ये वाले डील्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको कोटूड वो बेचने की कोशिश करते हैं लोग मदरबोर्ड एंड रैम के साथ 1,500-2,000 में, एंड अगर CPU खरीदते हो सेम कॉन्फिगरेशन का तो 5,500-5,000 में विद मॉनिटर एंड एवरीथिंग इट कम्स। हाउएवर इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगर कॉन्फिगरेशन हमारे पास है तो किस तरीके से हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या GPU इस पे लगा के हम लोग बेसिक कुछ काम कर सकते हैं या फिर अगर लिनक्स का कोई PC बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस उस वीडियो को देखने के लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आए तो पता चल सके तुम लोगों को। एंड गाइस इसके अलावा डोंट मेक दिस बिल्ड एंड अगर तुम लोगों ने इस टाइप का कोई बिल्ड बनाया हुआ है या तुम्हारे पास कोटेड वो है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ तुम किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, सो दैट हम लोग भी आगे वाले वीडियोस में इन सबको ऑप्टिमाइज करके और थोड़ा सा अच्छे से यूज कर सकें। एंड साथ ही मैं इसमें तुमको ये तो पक्का बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अगर मेरे को गेम एंजॉय करने हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज। मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने एक बहुत ही वीक कॉन्फिगरेशन के लिए एक जो PS एम्युलेटर है उसका यूज करने की कोशिश की थी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।